<laughs> he Hello, everybody. Hi, good evening once again. Good evening once again, or I am live. I can see you here and skip ads, skip ads. गुड इवनिंग एवरीबॉडी बारी कैसे भाई सुबह फिर से सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आ गए तुम लोग दोबारा वापस एक बार फिर से चक देंगे मैम इस बार भी उठा देंगे हम बहुत हो गया पिछले पिछले सेशन में आपने मैम डिटर्जेंट भी डाल दिया हमें ठीक कितना लेम जोक था बट एनी बट या मेरी भावनाओं को समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ गुड हाँ ठीक है तो इस बार हम दिखा देंगे मैम कि हम क्या मतलब हम कितना और हम हमें कितना है दम hmm? इस बार तो क्वेश्चन आप यही से पूछोगी घटिया जोगा आई नो पांडे जी आई नो दैट मैंने खुद ही बोल दिया आपके कहने से पहले एक चीज मैं कभी नहीं कर सकती दैट इज दैट इज वाई जो चीज तुम्हें खुद में नहीं होती है ना फिर तुम्हें दूसरों में ज्यादा अच्छी लगती है वो दैट इज आई अप्रिशिएट सेंस ऑफ ह्यूमर द मोस्ट मुझे जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता था मुझे मुझे मतलब इट इज लाइक आई ऑटोमेटिकली यू नो गेट टेंड टू टॉक टू दो पीपल मोर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या लाइक दैट बट दो चलो कोई बात नहीं इट्स ओके बट तो तुम लोग आ गए हो इस बार के मैम अभी देखो तो सही तुमने हमें पिछले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में रुलाया है ना अभी तुम्हारे को बताते हैं ऐसे क्या ऐसे चैलेंज लेके आए हो क्या डाटा हाँ, गया मैम जल्दी करो जल्दी करो मैम जल्दी करो ठीक हाँ ठीक है है सॉरी 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 मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी अपना फिर जल्दी से शुरू करते हैं जल्दी शुरू करते हैं चलो 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 चलो, चलो. <laughs> चलो भाई सो वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन टू द टॉपिक आज हमारा है बॉडी फ्लूज एंड सर्कुलेशन जो कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमारा ये सेशन रहता है जिसमें क्या है? हम करते हैं फटाफट से रिविजन करते हैं दस मिनट में मैम की भाषा में दस मिनट में लेकिन आपकी भाषा में कितने मिनट में पंद्रह से बीस मिनट में ठीक है बट आज टाइम लगे आई थिंक मैक्सिम पंद्रह मिनट लगेंगे हमने कट शॉर्ट किया अच्छा कर है। है। तो शुरू करते हैं हाँ हाँ चलो 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 सर शुरू करते हैं बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन आज का हमारा टॉपिक है तो कुछ एक आज हमारा मेंटी कोड हमारा ये है बट अभी को मेन्टी कोड लगाने की जरूरत नहीं है ये है नाइन थ्री थ्री एट वन थ्री वन फोर थर्टीन फोर्टीन अरे वाह क्या बात है ठीक है सो गाइज इफ यू नॉट सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू टू चैनल डोंट प्रेस सब्सक्राइबल अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ये उसका लिंक है और अगर क्रैश कोर्स नहीं लिया है अभी अगर आप ट्वेल्थ में हैं और अगर आप ड्रॉपर हैं तो अभी आपको बिल्कुल ले, ले लेना चाहिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द क्रैश कोर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या इसमें मिल रहा है आपको सब कुछ मिल रहा है पूरा सिलेबस कवर करेंगे टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है आपके डाउट्स कवर किए जाएंगे टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं वहाँ पर जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ठीक है uh, एंड बस इसको लेना है इस, प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल अगर जाइए नीचे जाइए आप उसमें कूपन कोड लगा दीजिए एम एस नीट वैसे टेन थाउजेंड का आपको एट थाउजेंड में मिल जाएगा मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है ऑलरेडी पिछले सेशंस में आज टाइम नहीं बना आज ही बता देती एंड टेस्ट सीरीज गाइस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है इसमें टेस्ट डिस्कशन होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कहा नंबर जा रहे हैं आपको ये पता चलेगा ठीक है तो टेन फुल टेस्ट है दो हफ्ते में दो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी अगर आपने लेना है तो उसको कैसे ले सकते हैं आप दो हजार में सिर्फ है ये वैसे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का है एम एस नीट कूपन कोड लगा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा टू थाउजेंड में ठीक है ये हमारे आज के सेशंस की डिटेल है ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया था अंशु मैम देन रजनी मैम विनय सर फिर भूमिका मैम फिर सचिन सर फिर अंशु मैम फिर मी अगर आज का सेशन नहीं देखा तो देखना आई एम चैलेंजिंग यू देखो जाके इस सेशन को और हम लोग हैं यहाँ पे <coughs> इसके बाद इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन मूवी वन मिनट ये देख लेना भाई और उसके बाद केमिस्ट्री के सेशंस हैं गाइस जिसमें पी वी पी वाई क्यूज करने वाले और अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर करने वाले हो ठीक है यार तो चलें शुरू करें यार ठीक है शुरू करें प्लीज जल्दी मैम प्लीज जल्दी <coughs> टेंथ टेस्ट फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट फुल टेस्ट है आज ना आई थिंक सो आई थिंक सो फुल टेस्ट है ना ठीक है <laughs> वो आपके ऊपर है जेबरा ना अगर आपको सुबह वाले सेशन करने हैं तो फिर शाम वाले में मत आओ शाम वाले तो में करने हैं तो सुबह मत जाओ ना एक ही इतने सेशंस आपको अटेंड तो इसलिए दिया ना कि अगर आप सुबह पढ़ते हो मॉर्निंग रीडर हो आप तो सुबह वालों में पढ़ लो क्योंकि सुबह ये जो स्लॉट है ये सीधा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर कर रहा है ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर कर रहा है जो आपको सूट करता है चाहे आपको टाइम वाइज सूट कर रहा है टीचर वाइज सूट कर रहा है तो आप वैसे कर लो ठीक है इसीलिए इतने सेशन दिए हैं ठीक है चलो यार चलो शुरू करते हैं और आइए जरा से फटाफट फड़ से आ जाओ भैया आ जाओ अब लगाना चाहिए था मुझे मेरा बनना भी बनना चाहिए था वैसे हमें फा, फास्ट भागना है अभी हमने चलो भाई चलो साठ चलो गाइड्स अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और चलिए हम लोग उड़ान के लिए तैयार हैं क्या ठीक है चलिए भाई बच्चा ये है हमारा ब्लड इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्लड में आपको पता है प्लाज्मा होता है और आपके होते हैं कॉर्पसल्स सो प्लाज्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्या क्या है ये फिफ्टी फाइव येलो इन कलर नाइन टू नाइन टू परसेंटर प्रोटीन होते हैं आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको क्वेश्चन किसमें से आएगा कि प्रोटीन कौन से होते हैं तो चलिए देखते हैं प्रोटीन कौन कौन से हैं तो लेट अस जस्ट सी कौन कौन से प्रोटीन है फटाफट -पड़ से देखते हैं अगले इसमें बेटा आपके प्रोटीन कौन कौन से हैं एलब्यूमिन ठीक है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है मेंटेन द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको पहले भी कहा है और क्वाश्योरकर डिजीज इससे रिलेटेड है क्योंकि ये प्रोटीन है उनमें प्रोटीन की कमी होती है इसलिए उसमें अडीमा हो जाता है तो रिलेट करो ये आपका होमवर्क है थिंक अबाउट दैट कि कैसे होता है ये ग्लोब्युल्स है गामा ग्लोबुलन्स आपको पता ही है ग्लोबुलर प्रोटीन जो आपकी एंटीबॉडीज हैं मैं अभी आपको पिछली ही क्लास में बता के हटी हूं कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि ह्यूमर होता है क्या फ्लूड ठीक है तो कहां फ्लूड कौन सा पार्ट ब्लड में प्लाज्मा तो ये उसमें प्रेजेंट होती हैं आपकी एंटीबॉडीज फिब्रीनोजन आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग हैं आपके आइन्स है सोडियम क्लोराइड ये सारे प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल्स टू सीरम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्या बोला तो बेटा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा सीरम होता है क्लॉटिंग फैक्टर का नाम लिख दो फटाफट से लिख दो यहाँ पे जल्दी से लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी फैक्टर का नाम लिखो फटाफट फड़ से क्लॉटिंग <laughs> फैक्टर का नाम लिखो फटाफट फड़ से जल्दी से जल्दी हाँ 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 हा फेब्रिनोजन वेरी गुड हासन हासन लिखा है फेब्रिनोजन exactly. तो दैट इज सीरम वेरी गुड बहुत बढ़िया सही जा रहे हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं चलिए आगे चलते हैं फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये हमारा प्लाज्मा पार्ट हो गया बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे चाय छानते हो आप तो चाय में नीचे जो आपके कप में चाय गई है वो प्लाज्मा है ऊपर जो आपकी चाय पत्ती बच गई है वो क्या है वो कॉर्पसल्स हैं उसमें कॉर्पसल्स चाय पत्ती क्या में क्या है कॉर्पसल्स में क्या है आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स ठीक है आरबीसी नॉर्मल काउंट होता है पांच से पांच पॉइंट पांच मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ द ब्लड लड़कों में इतना होता है लड़कियों में थोड़ा कम होता है साढ़े चार से पांच के बीच में होता है, है? है? है।, है।, है, है? शुरुआत होती है इसकी सैक से फिर लीवर लेता है कुछ पार्ट प्लीन भी प्ले करता है बाद में जाके सेवेंथ या एट्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन में इसको बोन ले लेता है क्लियर है सबको ये ये पार्ट क्लियर है सबको डन इसको याद रखना है कैसे चलता है, है ये तो आपको एक सौ तक किसी को ब्लड डोनेट नहीं करना होता है। आपको पता होगा चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है दैट ई न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है जबकि डब्ल्यू बीसी आर वेरी मच न्यूक्लिएटेड क्योंकि इसके न्यूक्लियस के बेसिस पे इसके सेल्स का नाम है देखो ना

न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं अब क्वेश्चन क्या आता है आपको आप उस दिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एक मैं बताती हूँ आपको प्रीवियस ईयर में पहला तो चलो पहला पढ़ लो न्यूट्रोफिल्स हैं आपके पीएमएनल फुल फॉर्म आपको पता है सबको मुझे पता है 60 टू 65% ऑफ द डब्ल्यूबीसी पहली बात तो ये है फैगोसाइटिक है मूव फ्रॉम द कैपिलरीज ये क्या कर करते हैं फैगोसाइटिक है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं स्क्वाड नंबर 1 क्वेश्चन था और अब इसका फंक्शन जो है एक दूसरे से उल्टा है क्या है एक दूसरे से उल्टा है कैसे तो देखो जो आपका, वैसे तो वन ये तुम खुद पढ़ लेना है किसी को एलर्जी हुई तो एलर्जी होते तो फटाफट फड़ से बताओ फिर ये जो अपना ब्रोंकाइटिस होता है आपका ये जो है ना एलर्जी हुई किसी को तो मास्ट हैं है ना हिस्टमिनेज हाँ, याद है हां तो हिस्टमिनेज किसके पास होता है और ये कह रहा है कि है उसको मैं काटने के लिए खड़ा इन सिंक विद मी ट्राइंग टू हियर या यस बेसोफिल्स क्या करते हैं हिस्टमिन को सिक्रीट करते हैं भाई साहब वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं लेकिन इोसिनोफिल इसको कम कर देते हैं दूसरे से, ठीक है याद रखना है ये क्वेश्चन आया तो, 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 तो और जो आपको नहीं दिख रहा है है पे वो लिखा है किल लार्वा। क्या करते हैं थोड़ा ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं ठीक है हेलमिंथिक मतलब ठीक है तो ये हो गया यार यहाँ पे चलते हैं आगे चलते अब आते हैं आपके मोनोसाइट्स हैं और हैं. WBCs. कितना है आपका किडनी शिफ्ट ट्रांसफॉर्म इंटू मैक्रोफेज इन द टिश्यू सब जानते हैं डायपिटाइसिस स्क्वीज आउट कर जाते हैं ब्लड कैपिटेक्शन को लेके साथ में लिम्फोसाइट्स दो तरीके के बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स दोनों बनते बोन मैरो में है लेकिन टी लिम्फोसाइट्स किस में माइग्रेट हो जाते हैं फटाफट से लिख के बता दो क्विकली लिख के बता दो माइग्रेट होते हैं जल्दी से लिख के बताओ भाई बहुत गर्मी लग रही है इसीलिए सी लगवाना पड़ेगा कमरे में हाँ और मामा के घर चले जाते हैं हाँ बताओ बताओ मामा के घर कहाँ है उसका थाइमस में वेरी गुड अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने ठीक है तो एक बच्चा मुझे कह रहा था तो मैंने उसको कहा था कि तुम अपना वो करो आ, बुक चेंज करो अपना ठीक है हाँ मल्टीलोब्ड क्या होता है यार देखो हेडफोन शेप्ड है तुम्हारे eosinophils. Eosinophils जो है 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 तुम्हारे वो हेडफोन है. शेप्ड ठीक है? सही बना मन सही है टू लोब्ड थ्री एस शेप्ड न्यूक्लियस थ्री लोब्ड है न्यूट्रोफिल्स लोब्ड है थ्री टू सेवन ठीक है yeah? so, यार uh, uh, ठीक है ना सही है बढ़िया है पता था ना चलो सो so, नेक्स्ट है आप बच्चे आपका प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग आप सब जानते हैं नॉर्मल इसका काउंट होता है डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख अगर ये इससे कम हो जाए और तो इसमें क्या हमें प्लेटलेट बहुत ही दिक्कत हो जाती है कौन सा डिजीज है जो फटाफट -फड़ से प्लेटलेट पर एक्ट करता है जल्दी से लिख के बताओ जल्दी 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 हाँ कौन सा ऐसा डिजीज है अभी भी पढ़ के आए हम लोग की जो इसी पे एक्ट करता है प्लेटलेट्स भी एक्ट करता है जल्दी से डेंगी इज राइट आंसर हार्दिक खंडेलवाल बहुत ही बढ़िया चलिए आगे चलते हैं बहुत ही बढ़िया आप छा चुके हैं एकदम बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप जो कि है ए बी ओ ए ब्लड ग्रुप बी बी ब्लड 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 ग्रुप 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 और group, और ओ ए तो चार तरह के आपके वो हैं देखो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है है ना मतलब मेरा एंटीजन ए है सेल्फ एंटीजन है ठीक है किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका बी एंटीजन है ठीक है किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है तो उसका ए बी और किसी, किसी का ओ है तो उसका कुछ भी नहीं है ओ मतलब नथिंग ठीक है तो पहले तो एंटीजन पे ही बात कर लेते हैं हम हाँ, एंटीबॉडी हमेशा उससे उल्टी होती है तो देखें जरा एंटीजन ए ऑन आर बी सी एंटीबॉडी बी इन द प्लाज्मा ठीक है ना ये तो बच्चों वाला खेल है सबको पता है अरे अरे मेरा तो ब्लड ग्रुप ए है मेरे पास एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी ही होगी मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी तो ए ही होगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा बेटा आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ द आरबीसी क्या बोला तो सरफेस ऑफ द आरबीसी आरबीसी ऐसे है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन जैसे राइट और जबकि एंटीबॉडी कहाँ है प्लाज्मा में क्या बोला था मैंने आपको एंटीबॉडी प्लाज्मा में है है ना ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है ना तो प्लाज्मा में होती है ये ह्यूमर ह्यूमर मतलब वो फ्लूइड ठीक है तो इस तरीके से होता है यार ये आरबीसी है इसके ऊपर ऐसे करके एंटीजन प्रेजेंट होता है सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए यहां पे प्रेजेंट होगा और मेरे जो प्लाज्मा सपोज यहां से प्लाज्मा जा रहा है तो इसमें मेरी एंटी बी प्रेजेंट है एंटीबॉडी बी ठीक है समझ आया है सबको ये सबको समझ में आ गया ये समझ में आना चाहिए एंटीजन मतलब होता है फॉरन मटीरियल बट ये हमारा सेल्फ एंटीजन है कुछ हमारे सेल्फ एंटीजन भी होते हैं सेम गोज फॉर बी सेम गोज फॉर ए बी ए बी में दोनों ही होगा एबी का ऐसा स्ट्रक्चर होगा ये आरबीसी है आरबीसी के सरफेस पे इसमें ए बी है बी बीबी है ए बी है बी बीबी है आरबीसी इसके प्लाज्मा में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगी या सो नो जल्दी से लिख के बताओ मुझे सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी लिख के बताओ ए बी ब्लड ग्रुप वालों में के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी कि नहीं होगी नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है वेरी गुड नो एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा ब्लड ग्रुप ओ में बेटा देखो ये रहा इसका आरबीसी कुछ नहीं है इसके आरबीसी पे तभी नाम ही इसका ओ है ओ मतलब नथिंग और इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होंगी एंटी ए भी होगा और बेटा एंटी बी भी होगा समझ आ गया इसलिए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ठीक है डिटेल्स मैं बहुत पहले से बता चुकी हूं ओके okay. चलिए तो इसमें अभी काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जीनो पता होने चाहिए आपको इसके ए का आई ए आई ए होम या आई ए आई ओ भी हो सकता है ठीक है इसके भी दो पॉसिबिलिटीज है इसका एक ही पॉसिबिलिटी है इसका भी एक ही पॉसिबिलिटी है आई ओ आई ओ या आई आई कुछ लोग आई आई लिखते हैं और इसका आई ए आई बी ठीक है आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट आप काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आता है आपको यहां से भाई साहब रिसर्स फैक्टर, फैक्टर है जो कि उस पर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन ऑन आरबीसी वंस अगेन आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए आपको ठीक है ये प्लाज्मा में नहीं है ये आरबीसी पर के ऊपर प्रेजेंट है आर एच पॉजिटिव मतलब है नाइनटी फाइव परसेंट जनता आर एच पॉजिटिव है आर एच नेगेटिव जिसके पास नहीं है मैरिज इनकम्पैटिबिलिटी मेडिकली मेडिकल इनकम्पैटिबल मैरिज है जहां पे मेल आर एच पॉजिटिव है फीमेल आर एच नेगेटिव है फीटस और आर एच पॉजिटिव और पैदा हो गया तो चलो तुमसे फटाफट फ़ड़ से पूछती हूं मैं तुमसे क्वेश्चन ये ये देख लो क्वेश्चन कैसे आता है आपको बताइए मेडिकल जो इनकम्पैटिबल मैरिज है इसमें कौन मेल पॉजिटिव होना चाहिए या फीमेल पॉजिटिव uh, होनी चाहिए मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव ठीक है मुझे बताओ ये फीटस आर एच पॉजिटिव पैदा हो गया फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी कि सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी जल्दी से लिख के बता दो फटाफट से फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी कि सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी जल्दी 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 टाइम नहीं है अपने पास भागो सेकेंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम्म वेरी गुड आई लाइक आई लाइक इज गिविंग द राइट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वैसे भी ब्लड और उसका मदर का ब्लड तो कांटेक्ट में आता नहीं है ठीक है पार्टिशन हो जाएगा पार्टिशन के दौरान उसका जो ब्लड है मदर का फीटस के उसमें आएगा और जैसे ही आर एच पॉजिटिव मदर के इसमें गए आर एच नेगेटिव में तो फटाफट -फड़ से एंटीबॉडी बना देगा फटाफट -फड़ से ठीक है तो इसलिए फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है सेकेंड में एक डिजीज हो जाएगी या एक कंडीशन आ जाएगी क्या कहते हैं उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कि फीटस के सारे आरबीसी ब्लास्ट हो गए ठीक है इस कंडीशन को सही भी किया जा, जा सकता है वैक्सीनेशन देके ठीक है क्या देके वैक्सीनेशन देके उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड मैकेनिज्म जैसा चलता है कैसे तो क्या बोलता है मेरे धक्का 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 है जैसे खड़े हैं ऐसे यहाँ पे सीरज प्रियंका ये मेघा वेदिका हिमांशु खड़े हैं एक ने धक्का दिया धक्का धक्का ऐसे करके कैस्केट मैकेनिज्म होता है मतलब एक एक्टिवेट हो तो अगले सारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो वैसे ही चलता है तेरह फैक्टर है टोटल लेकिन तुम्हें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके कैस्केट ड्यू टू इंजरी प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड एंड सीक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन

जाएगा इसको एक्टिवेट करेगा ये में में कन्वर्ट हो गया fibrin मतलब fiber, मतलब फाइबर धागा ठीक है और आप यहां पे देखो कि हर स्टेप कैल्शियम कैल्शियम जरूर इन्वॉल्व है तो देखो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है इसमें समझ आ गया सबको यस थ्रम बुक आइनज बिल्कुल सही बात बोली आपने दृष्टि बट चलो अभी यहाँ पे हम लोग इतना ही आ, कर रहे हैं बिकॉज एनसीआर इतना ही लिखती है मैटर बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हाई लेवल भी करवाएंगे जब आज के कुछ हाई लेवल लूंगी फिर तब बता देंगे इसमें चलो एनी वेज इट वर्पज सो गुड जॉब गाइज अभी अभी तक हमने ये कर लिया है ब्लड क्लॉटिंग अब हमारे लिम्फ की तरह लिम्फ में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कि इसका प्रोटीन नेचर नीचर जिसमें प्रोटीन होते हैं कि नहीं होते हैं बहुत पहले क्वेश्चन आया था जिसमें कि ऐसा लिखा था कि वैसे तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं बट लेट मी टेल यू एक छोटा सा मैं आपको चीज बता दू कि थोड़े से इसमें प्रोटीन लेवल आर प्रेजेंट बट आप ये एनसीआरटी नहीं लिखते हैं तो हम इसको नहीं मानेंगे चलो कोई बात नहीं छोड़ो बंक दैट बंक द लास्ट लाइन लैंग्वेज आई सेड बट एनिवेज कलरलेस टूड है और कोई आरबीसी नहीं होता इसमें प्लाज्मा होता है इसमें डब्ल्यू होता है एंड लिम्फोसाइड्स होते हैं ये तो पता ही चल गया आपको तो बेसिकली क्या है कि आर्ट्रियल एंड से ब्लड लीक कर जाता है कहाँ पे जिन टिश्यूज के पास बेचारों के पास ब्लड सप्लाई नहीं है ऐसे बेचारे से बैठे हुए उन बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा तो ये लिम्फ ना उसकी वैसे अब तभी तक इसको लिम्फ नहीं कहते हैं होता यूं है कि जैसे ही आर्टेरियल ब्लड से लीक हो गया उस बेचारे टिश्यू को जाके ऑक्सीजन दे आया और ये दे आया अब ये बात बोलना कि इसमें आरबीसी नहीं है तो मैम ऑक्सीजन कैसे दे रहा आपको पता थ्री परसेंट ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी ट्रैवल करती है ठीक है उसको ऑक्सीजन दे दिया उसका नाइट्रोजन बेस्ट ले लिया और जाके वीनस एंड पे जाके मिल जाता है वो ब्लड लेकिन उसमें से कुछ जो पार्ट होता है दस परसेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड उसमें रह जाता है उसको भी ड्रेन करने के लिए एक सिस्टम सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक जब दस परसेंट जो फ्लूड है वो हमारे उस लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया उसको हमने लिंफ फोड़ना है समझ गए मेरी बात को डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड यस और नो समझ आ गया ना समझ आ गया है ना तो इट इज लाइक ए लीक हुआ है ना तो लीक हुआ और ऐसे करके हाँ चले हो गया डन है आ गया ना समझ आ गया ना चलो बहुत बढ़िया मिडल मैन ऑफ द बॉडी आई हैव रिटन इन माय नोट्स बट यू कैन बंक दैट अदरवाइज कुछ मैं तुम्हारी के अकॉर्डिंग इसमें नहीं होता ठीक है फैट्स आर ऑल्सो ऑब्जॉर्ड यस चलो उसके बाद आते हैं फटाफट फड़ से सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप क्लोज टाइप ओपन टाइप में ब्लड फ्लोज थ्रू द साइनसिस विच इज ओपन स्पेसिस क्लोज में आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज ठीक है ह्यूमन की बात करें तो तीन चीजें हैं एक तो आपको पंपिंग ऑर्गन चाहिए हार्ट पंप किसको करवाना है ब्लड को ब्लड किस में चलेगा ब्लड वेसल्स में चलेगा ठीक है हमारा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है नेक्स्ट आ जाए यहीं से हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे फटाफट -फड़ से जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं हमारे पास चार चेंबर्स हैं ऊपर वाले ऑरिकल्स या एट्रिया नीचे वाले वेंट्रिकल्स ठीक है रेड दिखेगा इस पर ब्लैक ही देखे ब्लैक लेना पड़ेगा हाँ ठीक है दो ऑरिकल्स हैं नीचे वेंट्रिकल्स हैं ठीक है अच्छा उसके बाद है बचा, हमारा इसमें हमारे प्रेजेंट है दो एवी वैल्स दो एवी वैल्व कौन कौन से हैं जो हमारे राइट right साइड पे प्रेजेंट है राइट साइड बिकॉज इस तरह तरीके से लिया है तो ये हमारा राइट right साइड है ठीक है ना इस तरीके से सॉरी यहाँ नही राइट साइड right पे तो इस तरीके से ये राइट साइड है हमारा हार्ट का ठीक है तो यहाँ पे आप, आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे बता, बताया गया ये आपका एट्री वेंट्रिकुलर नोड या नहीं बताया ये एनी वेज ये आपका वैल्व है राइट साइड पे कौन सा वैल्व प्रेजेंट होता है इट इज ट्राइक स्पीड है ना राइट right को हमेशा ज्यादा मिलता है ट्राइक स्पीड वैल्व नंबर वन और इस तरफ आपका दूसरा वैल्व प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज बाइक स्पीड और मिट्रल वैल्व ठीक है बाईक स्पीड और मिट्रल वाल्व तो ये हो गया तो दो एबी वाल्व्स हो गए वेरी गुड बहुत बढ़िया फर्स्ट हार्ट साउंड किससे प्रोड्यूस होता है किसके बंद होने से प्रोड्यूस होता है एवी वाल्व्स के लब समझ आ गया फर्स्ट हार्ट साउंड खुलने से नहीं बंद होने से किसके बंद होने से प्रोड्यूस होता है एवी वाल्व से इसके अलावा यहां पे एक और वाल्व भी है जिसको हम कहते हैं आए, सेमी सेमिल्यूनर वेल्व और मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कि लोकेट कहां पे तो मैं यहाँ पे मैं लिख देती सेमी होते हैं जो कि आपके दो दो तरीके के होते हैं पहला होता है आपका द फर्स्ट वुड बी योर आयोटिक वैल्व आयोटिक वैल्व होता है और दूसरा होता है आपका पल्मोनरी वैल्व सो आपका जो आयोटिक वैल्व है वो किसमें प्रेजेंट होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपका आयोटा के बीच में प्रेजेंट होगा पल्मोनरी वाल्व किसमें प्रेजेंट होगा पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होगा एंड किसमें प्रेजेंट होगा आपका राइट uh, वेंट्रिकल right के बीच में ठीक है ये क्लियर है द क्लोजर ऑफ दीज वाल्व द सेमिलूनर वाल्व्स जो है जिसका क्लोजर प्रोड्यूस द सेकंड हार्ट साउंड दैट इज डब डिड यू गेट दैट लव डब पॉज लव डब पॉज लाइक लाइक दैट ओके समझ आ गया सबको क्लोजर ऑफ दीज वाल्व प्रोड्यूस द वो ठीक है ये हो गया चलिए ये आपको क्लियर है वैल वाला पोर्शन क्लियर हो गया यहाँ पे आपको पता है uh, blood, है है का फंक्शन होता टू प्रिवेंट द द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ठीक चलिए इसके बाद यहाँ पे है आपका एसए एसए नोड नोड होता है ऑफ द हार्ट जो कि आपका बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक मायोजेनिक मतलब एक मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एक मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सेवेंटी टू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है इसलिए हमारा दिल एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है समझ आ गया सबको यस एक्शन पोटेंशियल सत्तर से सेवेंटी टू सेवेंटी वन उसके बाद है एवी नोड इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं ये हमारा पेस सेटर फटाफट -फड़ से बताऊंगी इसके बारे में अब देखो जब ए, आ, ये हमारा एवी नोड ने ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए तो उसने ऑरिकल्स में तो चले गए बिना एवी की है सुनना ध्यान से बड़ी गहरी बात है जब ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो बेटा आराम से चला गया ऑरिकल दोनों में बिकॉज वहां पे कार्डियक मसल्स थे थी। ठीक है लेकिन वेंट्रिकल्स में नहीं जा पाता है क्योंकि जो एवी सेप्टम है वहां पे फाइब्रस मसल्स हैं भाई सब कैसे जाएगा इसलिए हमें एवी नोड की जरूरत पड़ी ठीक है इसलिए उसको पे, पेस सेटर कहा जाता है ठीक है अब ये पेस सेटर क्या करता है आईवी सेप्टम के थ्रू जहां पे कार्डिक मसल्स है वहां के थ्रू ये क्या करता है देखो इसको बंडल ऑफ हिस्स बोला ना फिर ये इसको सारा इधर इधर फैला देता है इसको हम प्रोटिंजे फाइबर्स बोलते हैं इसको ऐसे ऐसे करके पूरे वेंटिकल्स में लाता है फिर हमारा दिल धड़कता है ऐसे करके समझ आ गया सबको आया कि नहीं आया आ गया ना ठीक है अरे लपड साउंड बताते हैं अभी कार्डिक साइकिल आएगा आगे मैडम काफ़ी चीटिंग कर रही है बढ़िया लंबा हुआ था क्या करें यार ठीक है बाकी बस कुछ नहीं है कॉर्डी टेंडनी आपको पता ही है दीज आर द काइंड ऑफ ये अपने ए वी वेल्व जो होते हैं कॉर्डी टेंडनी आनी चाहिए पैपलरी मसल्स से अटैच होते हैं जो कि वेंट्रिकल से निकलती है ये हमारे ए वी वेल्व्स की कोलेप्सिंग को बचाते हैं मतलब उसको होल्ड करके रखते हैं ठीक है थीके? तो ये है बाकी ये सब ठीक है बाकी इतना चलेगा ये आपकी वेना कावा है जहाँ से ब्लड एंटर करता है हार्ट में यहां पे तीन ओपनिंग होती है एक होती है आपकी सुपीरियर बेना कावा एक होती है इनफीरियर बेना कावा एक होती है आपकी कोरोनरी साइनस कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो हार्ट को ही must, वो ब्लड सप्लाई करती है कौन सा ऑक्सीजनेटेड फिर हार्ट से वापस लेंगे भी तो हुँ? वो कोरोनरी वेन या कोरोनरी साइनस को कहते हैं विच ओपन राइट एटरी यहां पे तीन तीन ओपनिंग होती है ठीक है समझ आ गया सबको यस आई थिंक दैट्स वी आर गुड टू गो या गुड टू गो फ्रॉम चलो चलो ये इस पर क्वेश्चन एक बार एक बार इस इसे क्वेश्चन आया था उसको जरा देख लो हा, हार्ट वॉल्स हार्ट वॉल्स में देखो आउटर पेरिकार्डियम है ना मिडिल मायोकार्डियम इनर एंडोकार्डियम ठीक है आउटर पेरिकार्डियम में यार देखो पेरिकार्डियम और विजल होता है अंदर वाली इसकी भी दो पार्ट है आगे मिडिल मायोकार्डियम क्या होते हैं है, वेंट्रिकल्स आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों ठीक है पता है आपको वेंट्रिकल्स को क्या करना होता है <laughs> क्योंकि उसको ब्लड बॉडी हार्ट से बाहर भेजना होता है इनर एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर हैव सिंपल स्क्वामस है ठीक है आपको क्वेश्चन क्या आया था कि इन तीनों में से आउटर इनर और मिडल में से कौन सी जो है वो अनइवन है तो देखो कौन सी अन है फटाफट से लिख के बताओ मुझे जल्दी से कौन सी अनईवन है आउटर मिडल और इनर में फटाफट से लिख के बताओ मुझे इतने मैं आगे बढ़ूँगा हाँ वेरी गुड आर ने आंसर लिख दिया है मैम इट इज़ मायोकार्डियम इज नॉट यूनिफॉर्म बहुत ही बढ़िया वेरी गुड जिसको मायोकार्डियम यस मिडल वन गाइज ये देखो जिसको कभी भी थो, थोड़ा भी बहुत डाउट रह गया ना वैल्स के बारे में तो ये जो तो मैंने बता दिया आपको देखो ट्राई कस्पीड बाई क स्पीड सेमिलर आयोटिक और पलनरी जो है ये देख लो यार ये बड़ा अच्छे सुंदर से बनाया हुआ है बहुत बढ़िया ठीक है ये देख सकते हो इसका स्क्रीन भी ले सकते हो बहुत हेल्प मिलेगा तुमको हार्ट कंडक्शन मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ इसके बारे में ठीक है ऑलरेडी मतलब बता चुके हैं आप चाहें तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया बता रहा है देखो ये आर्टरिया को खुद ही दिए जा रहा है दैस मीन आटरिया के लिए इसको एवी नोड की जरूरत नहीं है लेकिन वेंट्रिकल्स के लिए है ठीक है डन है जिसको, जिसको साउंड्स के बारे में समझना था यहां देखो साउंड्स के बारे में समझ में आएगा कार्डियक साइकिल एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होते हैं जल्दी से लिख के बताओ एक कार्डियक साइकिल टोटल होता है कितने पॉइंट एट सेकेंड का तो एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होंगे जल्दी 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 क्विकली चक दो मतलब बता दो फटाफट से वेरी गुड गोपाल साक्षी सेवेंटी बहुत ही बढ़िया एक मिनट में सेवेंटी कार्डियक साइकिल होंगे है ना हाँ बिल्कुल पॉइंट एट अरे थोड़ा मैथ लगाओ ना पॉइंट एट पॉइंट एट करके है ना तो लगा लो सेवेंटी टू एक मिनट में इतने ही हो गए ठीक है ऑलमोस्ट तो बेटा ये जो कार्डियक साइकिल है वो तीन हिस्से में डिवाइडेड है पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर तीसरा है आपका जॉइंट डायस्टोल जिसको कंप्लीट इसको जॉइंट भी कहते हैं जॉइंट डायस्टोल जहां पे हार्ट मजे करता है चिल मार रहा है वो ठीक है उसमें कई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही है तो क्या बोला सिस्टोल इज इज डायस्टोल रिलैक्सेशन ऐसा ना अंगड़ाई हम अंगड़ाईमी लेते हैं ना ओ, बहुत मजे आ रहे भाई बहुत बढ़िया बहुत बहुत मजे में कट रही है जिंदगी तो है ना डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन कभी नहीं भूलेगा ऐसे जो स्टूपीड, ऐसे स्टूपिड ऐसे स्टूपिड लेम तरीके होते हैं ना कभी नहीं भूलते हैं हम लोग ऐसी ऐसी चीजों में ठीक है ना हाँ तो ये और यहां पे हार्ट मजे कर रहा है मजे मजे जे मजे ठीक है सो गाइस जस्ट सी पॉइंट पे आते हैं एट्रियल सिस्टोल सेकंड का होता है क्योंकि एट्रिया डालता है वेंट्रिकल्स में ब्लड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है पॉइंट थ्री सेकेंड्स का अब ये क्यों ज्यादा होता है पूछना चलो पूछ लो बता देती हूँ तुम बता दो फटाफट से बताओ जल्दी 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 फटाफट से बता दो, जुली, 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 से बता दो कि, क्यों होता है ज्यादा लंबे टाइम के लिए क्यों है ये चलो इतने में ये बताती हूँ मैं एट्री आर कॉन्ट्रैक्टिंग पॉइंट वन के लिए है यहां पे आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा लब क्योंकि यहां पे होगा आपका क्लोजर ऑफ एवी वेल्व एक ही साथ में समझ आया पंप ब्लड आउट ऑफ द हाँ आउट ऑफ द हार्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया यहां से पहला हार्ट साउंड आया ठीक है समझ आ गया बेटा आपको मतलब

कॉन्ट्रैक्ट किए फटाफट से वो चला गया ब्लड लेकिन वो क्लोज भी तो होंगे यहां इस पॉइंट हो जाएंगे अब देख लो भाई तुम तो, ठीक है डप लिखा होता है इट्स ऑल द सेम थिंग या सही है ठीक है और ये जो मजे कर रहा है हार्ट इसमें जॉइंट कंप्लीट डायस्ट्रोल जो कि पॉइंट फोर सेकेंड के लिए रहता है इसमें हार्ट जो है मसल्स रिलैक्स करती हैं ऑरिकल्स में ब्लड फिल हो रहा होता है राइट ऑरिकल में बिना काबा फिल कर रही होती है लेफ्ट ऑरिकल में पलमरी बेन्स फिल कर रही होती हैं ठीक है और हार्ट मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं अगली कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार हो रहा है ठीक है सो लब डप हॉज समझना डन है यार आ जाना चाहिए समझ समझ चलो यार आगे चढ़ते हैं ये रेगुलेशन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी है ये बहुत ही ईजी है और इंफॉर्मेटिव uh, भी है कि कैसे होता है कार्डियक सेंटर मेड्यूला में प्रेजेंट होता है सारे ही कार्डियक सेंटर वैसे प्रेजेंट होते हैं एक है आपका कार्डियो एक्सेलरेटर जो कि नर्वस सिस्टम से अटैच है जो कि हार्ट बीट को बढ़ा रहा है क्यों ये को कर रहा है इंक्रीजिंग द हार्ट रेट ठीक है कार्डियो इनिवेटर है वैसे इनिवेटर इज द रॉन्ग वर्ड मतलब नीचे लेके आ रहा है हार्ट बीट को नॉर्मल कनेक्टेड टू द हार्ट थ्रू पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है विच डिक्रीज द हार्ट रेट ठीक है डिक्रीज द हार्ट रेट गाइज तो देख लो भाई ये समझ आ गया डन डन हो गया ना ये चलो ठीक है नेक्स्ट है आपका ईसीजी ईसीजी है मेंटी होने वाला है बस अभी ये शायद लास्ट आई थिंक सो थिंकेंड लास्ट इसके आगे डिसऑर्डर्स सी ईसीजी में गाइज आपको बहुत सी uh, मैंने इंटरेस्टिंग बातें ऑलरेडी बताई हैं आप डिटेल्स जाने के लिए देख सकते हैं पहले तो बात है पी क्यू आर एस टी तीन वेव्स हैं पी वेव क्यू आर एस एंड टी पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्टिंग क्यू आर एस क्या स्टार्ट करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ठीक है मतलब वेंट्रिकल्स हैव स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां तक चलता है मैं आपको बता दूं एंड ऑफ द टी वेव तक चलता है टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए एंड तक यहां तक चलती है इसके, है इसके ठीक ना समझ इसको डिटेल में जानना है, तो मेरा वो फ्लूड वाला लंबा वाला लेक्चर देख लेना मैंने उसको सारे डिजीज भी रिलेट करके हैं इससे अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम कर नहीं सकते इसको मायोकार्डियल इस्टिविया मायोकार्डियल इंफॉक्शन एंड सी एडी कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज अरे ये तो एक ही बात है भाई बड़े नहीं वेस्ट चलो कोई बात नहीं ये तो एक ही बात है यार चलो हार्ट मसल्स गेट इनसफिशियंट ऑक्सीजन यार स्टीमिया का वर्ड है कि हार्ट मसल्स को इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलती है इनसफिशियंट ऑक्सीजन की वजह एंजाइना पेक्टोरिस होता है विच इज अ एक्यूट चेस्ट पेन एंजाइना पेक्टोरिस आपकी एनसीआर में लिखा हुआ है बाकायदा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है वैन ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ एकदम से कट ऑफ हो गई पूरी ठीक है तो हार्ट मसल जाई एकदम से तो जी शोज एलिवेटेड एस टी सेगमेंट एंड एलार्ज क्यू आर वेव ठीक है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज वैसे इससे भी हो सकता है वैसे है इसको ये भी कह सकते हैं डजेंट मैटर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रथ चेस्ट पेन इसमें भी होता है अकर्स ड्यू टू द्लाक इन कॉरोनरी आर्टरी है ना कोररी आर्टरी में प्लाक बहुत ये मक्खन वक्खन खाने के बहुत लोग शौकीन होते हैं ये वो सब कुछ चीज़ें और एक्सरसाइज नहीं करने के भी शौकीन होते हैं <laughs> मैं नहीं हंस सकती क्योंकि मैं भी आजकल ऐसे ही करती हूँ एवरी <laughs> आप करेंगे यार हो ही नहीं पाता क्या करें चलो यार हो गया और भी हैं डिजीजेस बट हमने सारे कवर नहीं किए हैं यहाँ पे आई डोंट नो वाई बट एनी चलो ठीक है चलो यार आ, हो गया इतने में तुम्हारा हो जाएगा अगर नहीं होगा तो यार फिर कोई बात नहीं तुम कुछ आंसर देना एक दो रह भी गए तो क्या दिक्कत है चलिए रेडी हैं सब लोग यू गायज रेडी

नाम रोशन कर दो मेरा फटाफट फड़ से चलो आज का मेंटी कोड है आपका फटाफट फड़ से आ जाओ आज का मेंटी कोड क्या है नाइन डबल थ्री एट वन थ्री थर्टीन फोर्टीन नाइन डबल थ्री एट तेरह और चौदह चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ आगे चलो आज दिखा दो फिर आज मैम आओ आप आपसे बदला लेंगे पिछले पिछले सेशन का जो आपने रुलाया हमें जो आपने रुलाया हमें आप आपसे बदला लेंगे चलो ठीक है ले लो बदला ले लो आ जाओ चले ओके वी गो गाइस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर फर्दर टाइम एंड प्लीज मेंटी महाराज जी आ जाइए हाँ चलो क्विकली गाइस यू कम हियर यू कम हियर ओके वेरी नाइस वेरी नाइस गुड जॉब एंड या याज माय ऑरा या ग्रेट ओके एनी वेज जोक्स अ पार्ट वी गो क्वेश्चन नंबर वन ओके जल्दी आ गया यार ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज एक ह्यूमन बींग के जल्दी से फटाफट से आ जाओ जल्दी आ जाओ हम्म सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं है? मैम हार्ट क्यों नहीं थकता अरे हार्ट जो मसल होते हैं कार्डिक मसलर फटीक उनकी प्रॉपर्टी है वो हार्ट <laughs> थक गया तो हम भी गए बाय बोलेंगे दुनिया को सीधा क्या बात है शाबाश और ये हमारी जनता माम से बदला लेते हुए पिछले सेशन का ह्यूमन डिजीजेस का चलो बहुत बढ़िया छा गए भाई तुम बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> चलो यार चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही बढ़िया नो no एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ना तुम्हारा पर टाइम बर्बाद हो जाएगा नहीं तो चलो भाई चलो डिफरेंस बिटवीन पलनरी आर्टरी एंड पलनरी वेन इज दैट द दलनरी आर्टरी हैज हम्म ये तो इजी है हाँ 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 चलो 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 हम्म छा जाओ बस यहाँ पे यार ये तो बहुत इजी है पर इसमें भी तुमने सही आंसर नहीं दिया ना तो फिर तुम नाक कटाओगे मेरी भी और अपनी भी हाँ जल्दी 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 फाइव फोर थ्री टू वन एंड लेट अस जस्ट सी वी गाइस आर रॉकिंग एयर और नॉट अबे ओए <laughs> पलनरी आर्टरी हैज थिकर वॉल्स वाई बिकॉज ये किससे है ब्लड टू एंड आर्ट्री वेन इज दैट पलनरी आर्टरी हैज ऑक्सीडेंट नहीं तो बिल्कुल नहीं होना था मैं देख देख लेती हूँ ना पलनरी आर्ट्रीज अक्सीडेंट ठीक है थिकर वॉल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है वेरी गुड 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 हाँ चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री टू वन ऐसे ऐसे आंसर देते हो ना मुझे भी क्वेश्चन करने में मजबूर कर देते हो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट आया बच्चा क्वेश्चन ये आया बच्चा क्वेश्चन चलो भाई चलो छा जाओ इस क्वेश्चन में हम्म गुड 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 कीप गोइंग गाइस बहुत बढ़िया नाइन इस क्वेश्चन का आंसर घर दी ना ऐसी मार पड़ेगी ना तुमको हाँ थ्री टू वन बहुत ही बढ़िया एंड द आंसर इज पलनरी ऑफ कोर्स ठीक है पलनरी आर्टरी वेरी गुड एक्सेप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ ट्वेंटी कहो थ्री टू वन क्वेश्चन इंपल्स ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंपल्स ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम हाँ इंपल्स ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम मुझे लगता है वेगस आंसर होगा इसका नहीं क्या लगता तुमको यही लगता है है ना वेगस होगा नहीं 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 एवी नोड होगा सॉरी यार ऐसे कैसे यार एवी नोड होगा है ना नहीं <laughs> <laughs> क्या बात है बहुत ही बढ़िया और ये बच्चे फिर से भी में से बदला लेते हुए पिछले सेशन का क्या बात है वेरी गुड फेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या बात है छा गए तुम दोबारा से चलो कंफ्यूज <laughs> करना तो मेरा काम है है ना हाँ चलो क्वेश्चन नंबर फाइव एंड गो थ्री टू वन बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ मैं पढ़ के बता देती हूँ शायद छोटा देख रहा होगा मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द हार्ट मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल्स नर्व फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेंट्रिकल्स, नर्व फाइबर्स फाउंड थ्रू आउट द हार्ट चलो 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 गुड जॉब गाइस, वेरी गुड थ्री टू वन है वेंट्रिकल वॉल्स में Yeah. मार पड़ेगी तुम्हें ये 54 बच्चों को अरे मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द हार्ट वॉल्स तब तो तुम सोचो ऑरिकल्स में भी नहीं जाता ऑरिकल्स में जो इंपल्स ट्रांसफर कर रहा है ऐसे नोट डायरेक्टली तुम्हें बाकायदा डायग्राम दिखाई थी तब तो जाते नहीं मैं तुम्हें बोल के बताया था कि इसमें भी कार्डिक मसल्स होती है लेकिन उसमें नहीं होता ये पता कौन से बच्चे जिन्होंने रिविजन नहीं किया फिर कि मैम हम आप कराओ रिविजन हम लोग खाना खा के आए ये वो बच्चे हैं इसलिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो go. And तभी तो नोड की ज़रूरत पड़ती है ना एवी नोड की जरूरत तो इसीलिए पड़ती है क्योंकि ऐसे नोड डायरेक्टली नहीं दे पाता वेंट्रिकल्स को वेरी गुड बहुत बढ़िया गोपाल पुरोहित स्पाइडी मेहनासारानी मैम एंड यू ओके नीट तो तू गया ओके तू दोबारा आ गया अभी तुम नीट तो तु तु लव साइड अरे नाम लिखो चलो कैथी पीयूष श्रुति टॉम अपना नाम लिखो यार क्या कर रहे हो तुम लोग यू हैव सच लवली नेम्स यार यू डोंट लाइक योर नेम्स या नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस लेट अस जस्ट गो लेट अस जस्ट गो एंड अभी फिर से जल्दी से थ्री टू वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज इजी क्वेश्चन इजी पीजी क्वेश्चन इजी पीजी हाँ चलिए 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 आगे बढ़िए और ये हमारे बच्चे मैम से बदला लेते हुए अब देखते हैं बदला लिया है, स्पष्ट भी कि नहीं लिया चलो थ्री <laughs> टू वन मेरी हार्ट बीट भी रुक जाती है जब मैं आंसर आ रहा होता तो है तो मैं देखती हूँ ये तो भी कहा गलती करिए ओह शाबाश वेल अबे वेल इज मैमल ये कौन है ये फ्रॉग भाई क्या हो क्यों फ्रॉक को दो बार सर्कुलेशन क्यों करवा दी सिंगल सर्कुलेशन भाई उसकी हा? ठीक है चलो भाई. बात ना? चलो वेरी गुड एंड लेट एस जस्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेवन ऑफ ट्वेंटी से क्विकली ट्राई इज फाउंड इन बिटवीन ये स्पीड वाला क्वेश्चन है जल्दी स्पीड स्पीड आ, चलो 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 छा दो फटाफट से स्पीड क्वेश्चन ये क्वेश्चन गलत किया ना बेटा तो देखना तुम एट फोर वन सी एंड गो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल बिल्कुल सही आंसर है ट्राई थ्री फ्लैप्स होते हैं आपको पहले ही बताया बाइक एड में दो फ्लैप्स होते हैं जिसको मेटल वाल भी कहते हैं याद कैसे रखना है ट्राई मतलब तीन राइट वो हमेशा ज्यादा ही मिलता है ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन गो एंड जल्दी से आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर ब्लड प्रेशर इन द दलनरी आर्टरी इज पलरी आर्टरी में कितना ब्लड प्रेशर होता है बोल के बता देती हूँ मोर देन दैट इन द दल्नरी वेन लेस देन दैट इन द अका सेम एज दैट इन चलो भाई चलो छा जाओ एकदम सॉलिड क्वेश्चन है हम्म 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थ्री टू वन यू गो मोर देन दैट इन द दलनरी वेन इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर ठीक है ना हाँ ये तो पता ही है ना सबको पलनरी वेन से ज्यादा होगा है ना तो या uh, बिकॉज yeah, उसको ब्लड उसमें वैसे भी वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर ही होता है क्योंकि उसको ब्लड बॉडी से बाहर और आप देख के भी आ चुके हो सेटर इन द इज कॉल्ड इसमें आपकी मैटर करेगी क्या स्पीड छा जाओ फटाफट से अब छा जाओ बदले ले लो पूरे आज ह्यूमन डिजीजेस के चलो 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 हाँ पेस सेटर गुड जॉब नाइन एट सेवन फाइव टू वन वी गो एंड वी हैव द आंसर हियर अस जस्ट सी एवीएन इज इज द राइट आंसर ये कौन महानुभाव बच्चे बेटा पेस मेकर होता है साइनो साइनोन राइट दैट इज इज अ पेस मेकर दिस इज पेस सेटर ओके ए बी नोड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हिवी गो थ्री टू वन भाई आ जाओ नंबर टेन हिवी गो थ्री टू वन जल्दी आओ भाई जल्दी 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 द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन The heart sound dub is produced when hmm इसमें भी चाहो तो स्पीड ही मैटर करेगी तुम्हारी वैसे तो हम्म Hmm. Two, one. Very good. Seminary valve will get closed. Absolutely right answer. Very, very big. Pulmonary valve and aortic valve. Good job, guys. Let us just see who's on the leaderboard once again. And here we go. Three, two, one. Gopal, Saransh, Neet, Piyush, Mars, Tupi, Stu, so <laughs> Sorry. <laughs> sorry, <laughs> sorry about that. Sorry, that that was not that was uncalled for. I'm so sorry about that. sudipto I I thought somebody is writing stupid. I'm so sorry about that. Uh, my apologies. Pallavi, Arthi Patel, and Konk. Okay, is that a real name? Yeah. Anyways, let us move ahead, guys. And three two one eleventh uh, 3, 2, 1. 11th question. Here we go. स्टैंड इज करेक्टेशन ओ क्या हुआ नो आइडिया हाउ डैट नो आइडिया मुझे नहीं पता चला ये कैसे हो गया इतना जल्दी टाइम कैसे हो गया इसमें आई नो आइडिया क्या हो गया एनीवेज डीपोलराइजेशन ऑफ दॉज द राइट आंसर ऑफकोर्स एंड बाकी नहीं है ये टी एंड ऑफ डायस्टोल नहीं है इनफैक्ट एंड ऑफ सिस्टोल है वो और आई थिंक यो ठीक है बट एनी वेज आई नो हाउ डिट दैट हैपन आई हैव नो है चलो एनी वेज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड हो सकता है मेरे से बटन तो नहीं प्रेस हो मैं रख ही देती हूँ उसको साइड में ब्लड प्रेशर इन द मेमिलियन आयोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग प्रीवियस क्वेश्चन आई चलो ब्लड प्रेशर इन मेमिलियन आयोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग चलो 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 बढ़ते जाओ आगे छा जाओ एकदम सिक्स <coughs> पिछले वाले क्वेश्चन है जिस लकी लोग होंगे वही दे पाए होंगे आंसर पता नहीं क्या ही हुआ हो गया एकदम से ए इसका सही आंसर होना चाहिए मैक्सिमम इन आयोटा वेरी गुड सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही बढ़िया इसी टाइम का वेंट्रिकल्स का ही हम लोग ब्लड प्रेशर लेते हैं नंबर जल्दी आओ भाई क्वेश्चन नंबर थर्टीन थ्री टू वन गो लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन प्रोसेसिंग yes, ah, चलो भाई ये क्वेश्चन इज ऑल योर्स इजी क्वेश्चन दो हम्म ओके ओके लिंप ब्लड से कैसे डिफर करता है थ्री टू वन है वी जस्ट सी और छा जाओ एकदम से ऑनली डब्ल्यू बी सी इज एप्सोल्यूटली द राइट आंसर एंड आई थिंक बाकी सारे तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे सही आंसर दे दिया है बहुत ही बढ़िया चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री टू वन लड़ेज सिंह ओके कार्बोनिक एंड हाइड्रेज अकर्स इन चलो ये क्वेश्चन अगर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर ढंग से पढ़ा है तब भी आपको आता होगा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाइड्रेस अकर्स इन गए थ्री टू वन ये भी को आरबीसी भाई साहब आरबीसी क्या कर रहे हो तुम क्लोराइड शिफ्ट नहीं याद है ह ब्लड प्लाज्मा ये कैसे बातें कर रहे हो तुम यार लिम्फोसाइड्स कुछ भी चलिए कोई नहीं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर को एक बार देखना ध्यान से ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर वी गो थ्री टू वन और क्या आप वो ट्रांसपोर्टेशन तो देख लो ना उसका कार्बन डाइऑक्साइड का तब भी आ जाएगा आपको ब्लड ग्रुप ए बी हैज ब्लड ग्रुप ए बी हैज ए बी के पास क्या है ए बी ब्लड ग्रुप के साथ क्या है भाई ध्यान से देना जल्दी में गलत मत कर देना दो तीन ऑप्शन थ्री टू वन द राइट आंसर विच इज नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा और इन द आरबीसी जल्दी से बताओ फटाफट फड़ से इन द the... हाँ

प्रियंका सिन्हा क्लास टेंथ गुड जॉब प्रियंका सिन्हा अगर आप सच में क्लास टेंथ में तो बहुत बढ़िया आपने बोर्ड पे आके दिखा दिया बहुत ही बढ़िया एंड चलो भाई नेक्स्ट लास्ट फाइव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए एंड हियर वी गो थ्री टू वन द्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसी रिप्रेजेंट लास्ट क्वेश्चन आया हुआ ये और बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है कोई गलती नहीं करेगा इसमें mm -hmm -hmm. बढ़ते जाओ चलो 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 ए सेवेन सिक्स फाइव फोर एंड गलत किया ना इसमें तो मार पड़ेगी राइट आंसर मींस दैट वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इट विल कीप कॉन्ट्रैक्टिंग टिल द एंड ऑफ टी वेव नेक्स्ट क्वेश्चन

नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कमॉन हाथ आंसर इज लिफोसा थ्राम्बोसाइट्स भाई थ्रोम्बोसाइट्स कहां से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो तुम चुभ रहा है चुभना चाहिए दिल में लगना चाहिए ताकि आगे से गलतियां ना हो ऐसी ठीक है लिम्फोसाइट्स यार कौन से लिम्फोसाइट जल्द जल्दी से बताओ बी या टी फटाफट से लिख के बताओ बी या टी लिम्फोसाइड्स बी और टी क्विकली जल्दी फास्ट बी बी और बी लिम्फोसाइट्स की टी लिम्फोसाइट अभी <laughs> कहीं लग रहा मतलब है डी कुछ भी मतलब ऐसे हाँ ठीक है

Which among them is A. Granulocytes? भाई दो घंटे दो, दो लगातार खड़े वो कौन साडर वैरिकोज वो हो जाना है मुझे ना? Monocytes, absolutely the right answer, है ना मोनोसाइट आंसर पता है पता है बहुत यार दिमाग खराब हो गया दो घंटे लगातार हो गए खड़े हुए दर्द हो रही है एनी वेज गायब वेरी गुड क्वेश्चन थ्री टू वन हेयर वी गो चाइल्ड डेथ में अकर्स इन अ मैरिज ऑफ कौन सी शादी मेडिकली नॉट करेक्ट है चलो अच्छा रोहन शाह जी अच्छा कुछ नहीं होगा मैम डोंट वरी अच्छा थैंक्स यार बट हैपन्स इफ ऑल द एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉयड यार इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी भाई अच्छा है मैम वेट घटेगा मतलब तो मुझे इनडायरेक्टली मोटा बोल हो। ठीक <laughs> 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 है। good job, guys. Very good. <laughs> बहुत बढ़िया। <clears throat> इससे पहले तुम कुछ और बोलो आगे चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या टाइम हो रहा है चलो हमने फिनिश कर दिया टाइम पे क्वेश्चन ट्वेंटी ग्लोबुल्स कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरिली इन्वॉल्व इन दो हजार नौ का क्वेश्चन आइए ग्लोबुल किसमें इन्वॉल्व होते हैं चलो 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 छा लाओ वेरी गुड बहुत बढ़िया कीप गोइंग गुड 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 थ्री टू एंड वन देर यू गो डिफेंस मैकेजम बॉडी एब्सोल्यूटली तुमको मैंने लिए होते हैं एंटीबॉडी डे है आज मैंने बहुत एंटीबॉडी के बारे में बात की है सो गुड जॉब गायस्ट ऑफ ऑल सो वी सक्सेसफुल्प्लीटेड रिविजन एंड ऑल्सो सोल्व दो यू है दैट मेक्स एस ए कम्प्लीट पैकेज गुड जॉब कूडोज टू एवरीबडी कूडोज टू एवरीबडी बहुत बढ़िया आप देखते हैं जीत आज किसके किसकी हुई है नो मोर लेम जोक्स मीनाक्षी स्टॉप मेगा डिसाइड जानवी पांडे देखो पता नहीं कहाँ से आ गए बच्चे एकदम एक पॉइंट से रह गए बहुत बढ़िया गोपाल पुरोहित विनर मेगा मार्स पलक Yes, मुझे नाम नहीं दिख रहा श्री श्री सुदीप्तो एंड प्रियंका सिन्हा क्लास टेन गुड so जॉब गाइस वेरी 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 गुड मैम बस सुपर फास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो गया जल्दी से लिख के बता दो और क्या आपका स्कोर लास्ट टाइम से इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ यह आपने हर एक बार अपने आप से पूछना है ठीक है अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है मैं हमेशा आपको बताती हूँ दो रीजन होते हैं या तो एग्जामिनेशन प्रेशर की स्पीड में आपका गलती करते हो सोचने का टाइम नहीं मिलता है या दूसरा कॉन्सेप्ट वीक है तो कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो और अगर आप ड्रॉपर हैं और अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो वेट नहीं करना है ज्यादा फटाफट -फड़ से जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो जल्दी से लॉन्ग टर्म ही क्रैश कोर्स ठीक है सो या देख लो अपने आप को रिव्यू कर लो कि कहाँ पे हो तो मैंड दिस इज रियली सीरियस है ना तो देखो अगर कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे जो ह्यूमन हेल्थ वाले थे वो थोड़ा एक लेवल लेवल अप थे लेकिन ये बिल्कुल है ऐसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है फास्ट होता है इसलिए तो उस पे उस एग्जामिनेशन काम करो अपने आपको करो अपने आप को मॉक टेस्ट दो टाइम सेट सामने ठीक है, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट वीक है देखो खुद से झूठ नहीं बोलना है खुद से नहीं झूठ बोलना सबसे झूठिया से झूठ बोल सकते थे तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो ठीक है सो so, खुद से नहीं झूठ बोलना है एंड अगर कॉन्सेप्ट पे दिक्कत आ रही है तो टेक द क्रैश को जल्दी से अगर देखो आपको रास्ता भी बताया जा रहा है आप फटाफट -फड़ से जाके ये क्रैश कोर्स ले सकते हो सारे कॉन्सेप्ट आपके वन ट्वेंटी सेशन में पूरे हो जाएंगे बिच इज़ लाइक नीट आने से पहले पहले तो आपका ये पूरा हो जाएगा साथ ही साथ आपको रिफ्लेक्शन के लिए हर वीक जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी लेंगे ठीक है कोई डाउट होगा तो सुबह से लेकर शाम तक सारा विंडो डाउट खुला है आप क्वेश्चन पूछो नहीं समझ में आ रहा है आप जो टीचर आपसे पढ़ाते हो डायरेक्टली बात कर सकते हो ऑडियो के थ्रू वीडियो के थ्रू कैसे भी ठीक है तो डोंट वेट आउट टेक इट बाकी तुम्हारी मर्जी है ख़ुद की आप बहुत समझदार हैं हम आपको रास्ता बता सकते हैं चूज तो आप ही को करना है नहीं ठीक है ना तो वैसे एट थाउजेंड रुपीज़ में मिल रहा है ये वैसे टेन का है लेकिन एट थाउजेंड में मिल जाएगा आपको कूपन कोड लगाओगे आप एम एस नीट ठीक है एंड वैसे टेस्ट सीरीज़ है अगर आपने आज अच्छा किया है बहुत बढ़िया किया है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो तो आपको और थोड़ी ब्रेन स्ट्रामिंग होगी और थोड़ी ग्रिलिंग होगी क्वेश्चन के थ्रू टू का है ये ट्वेंटी फोर नाइन नाइन टू फोर नाइन नाइन का वैसे है लेकिन कूपन कोड लगाओगे तो दो हजार में मिल जाएगा आपको ठीक है गाइस सो दिस इज योर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हमारे चैनल को तो कर लो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है थैंक यू गोपाल थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड जॉब कूडोज टू एवरीबॉडी एवरीबडी हु पार्टिसिपेटेड एंड रियली वेल डन ठीक है कल मिलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में ठीक है मेंटी क्विज़ विद रिविजन राइट बाय एवरीबॉडी बाय हैव अ गुड नाइट जल्दी से जाओ खाओ पियो और दोबारा से वापस आ जाओ किसके लिए केमिस्ट्री कि की क्लास के लिए चलो आ जाओ